राजमगढ़ जिले से एक बड़ी खबर आपको TV20 न्यूज पर दिखा रहे हैं, जहां के कमिश्नर कनक त्रिपाठी का बलिया के शिक्षा विभाग पर जांच का चाबुक चला है। इसमें जांच के बाद बलिया के 11 स्कूलों में 23 शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली का मामला सामने आया है। इस पर मंडल कमिश्नर कनक त्रिपाठी ने तत्कालीन BSA सहित कई अधिकारियों और बाबू पर कार्यवाही की संस्तुति की है। एक बार आपको फिर से बता दें कि कमिश्नर के जांच से ये खुलासा हुआ है। तो ये बड़ी खबर है जो आजमगढ़ से आपको दिखा रहे हैं TV20 न्यूज पर, जहां पर आजमगढ़ के कमिश्नर ने बलिया के शिक्षा विभाग पर जांच का चाबुक चलाया है, जिसमें बलिया के 11 स्कूलों में 23 शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ये जांच आगे भी जारी रहेगी। कमिश्नर कनक त्रिपाठी ने कहा है कि सिस्टम के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त आजमगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जहां के कमिश्नर कनक त्रिपाठी का बलिया के शिक्षा विभाग पर जांच का चाबुक चला है, जिसमें जांच के बाद बलिया के 11 स्कूलों में 23 शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली का मामला सामने आया है, जिस पर जांच आगे भी जारी है और कार्रवाई की जा रही है।